Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID and today I am going to discuss over philosophy of education. जब कभी भी बी ए बी एड एम ए एम एड में आपका ये यूनिट शुरू होता है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का, तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, यही पूछा जाता है, यही बताने की कोशिश की जाती है आपको कंसेप्ट स्कोप नेचर एंड फंक्शन, यानी कि क्या इसका मतलब है, इसका संप्रत्यय क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसके कार्य क्या है, किसके, शिक्षा दर्शन के, आप कह सकते हैं शिक्षा का दर्शन या शैक्षिक दर्शन, है ना। और निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके जनरल स्टैंड जनरल कंसेप्चुलाइजेशन के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिलॉसफी जनरली सरसरी तौर पर नहीं पढ़ी और समझी जा सकती है, उसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उसको ग्रहण कर पाएंगे, वरना याद तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि बेसिकली हम लोग एजुकेशन से हमारा लेना देना है, एजुकेशन डिसिप्लिन को हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि एजुकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से ले रखे हैं। तो उसमें एक पोर्शन हम लोग को फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ना होता है, या आप कह सकते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो कहीं कहीं एजुकेशनल फिलॉसफी लिखा रहेगा, कहीं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन लिखा रहेगा, पर आप यही समझिए कि शैक्षिक दर्शन है वो। तो फिलॉसफी है क्या, दर्शन क्या है, पहले हल्का सा दर्शन जान लेते हैं, शिक्षा को हम जानते ही हैं, फिर हम जान लेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो फिलॉसफी है क्या, इज ए सर्च फॉर ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज एंड रियलिटी बाई चीफली स्पेक्यूलेटिव रादर देन ऑब्जर्वेशनल मीन्स, यानी कि जो दर्शन है वो एक खोज है, किसकी खोज है, कि हम ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या मूल्य है, क्या सत्य है ना, और सिर्फ प्रेक्षण से नहीं देख रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव होके मतलब संदेहास्पद स्थिति से कि ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, मतलब तर्क करके, लॉजिक करके, सिर्फ देख के नहीं, यानी कि जो सिर्फ दिख रहा है वही सत्य नहीं है, कोई और एंगल हो सकता है, कोई और पक्ष हो सकता है, इस तरह से विशद दृष्टि से, ब्रॉड एंगल से सर्च करना है ना। इट सिग्निफाइज अ नेचुरल एंड नेसेसरी अर्ज इन ह्यूमन बीइंग्स टू नो देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव एंड मूव एंड हैव देयर बीइंग। और ये क्या सिग्निफाई करता है, इसकी महत्ता ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स में, जो मनुष्यों में एक प्राकृतिक और आवश्यक ये उत्कंठा है कि वो जान सके, खुद को जान सके, हम कौन हैं, ये संसार कैसे आया, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, इस तरीके के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो ये जो फिलॉसफी है वो सिग्निफाई करती है हमारी इस अर्ज को कि हम कहाँ रहते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं। ओके, फिर वेस्टर्न फिलॉसफी और हिंदू फिलॉसफी की बात होती है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी रिमेन्ड मोर और लेस ट्रू टू द एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन बीइंग एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। जब आप फिलॉसफी का एटाइमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे, यानी कि शाब्दिक अर्थ देखेंगे, अगली स्लाइड में है, तो सब जानते हैं कि वो फिलॉसोफिया मतलब लव फॉर विजडम है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य दर्शन है आपका, वो जनरली ज़्यादा कंसेंट्रेटेड किसकी तरफ है कि इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी कि हम सत्य की बौद्धिक दृष्टि से जांच कर सकें। जबकि हिंदू फिलॉसफी क्या है, हिंदू फिलॉसफी इज इंटेंसली स्पिरिचुअल, जो हिंदू दर्शन है वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है एंड हैज ऑलवेज एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। देखिए मैं कह रही हूँ ना कि सिर्फ एक लाइन में कहने वाली बात नहीं है, अब इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ क्या है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ क्या है, हर शब्द के मायने हैं और बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है फिलॉसफी को। आप सरसरी तौर पर पढ़िए मत पढ़िए, बार बार पढ़िए ताकि उसको आपको अर्थ समझ में आए, है ना। तो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, यानी कि जो सत्य है उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, आप समझ सकते हैं ये कितनी मतलब कितना ये कहना क्या चाह रही हूँ मैं कि कठिन है, कितना ये मुश्किल है, कितनी इसकी सतहें हैं, तब आप समझ पाएंगे प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ क्या होता है, यानी सत्य का प्रायोगिक रियलाइजेशन, है ना। तो उसमें कितनी चीज़ें आएंगी, किस चीज़ को आप सत्य कहेंगे, किसको असत्य कहेंगे, क्या सही है, किसके एंगल से सही है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर philosophy is a comprehensive system of ideas about human nature and the nature of reality we live in, है ना? तो philosophy है क्या, दर्शन क्या है, comprehensive मतलब व्यापक system है, किसका, ideas का, विचारों का,
ह्यूमन नेचर के बारे में और नेचर ऑफ रियलिटी जिसमें जहाँ हम रहते हैं, हमारा वातावरण, हमारा संसार, इट इज़ ए गाइड फॉर लिविंग. ये हमारे लिए एक तरीके से गाइड का काम करती है फिलोसफी, कि हमको मतलब कहते हैं ना जीवन दर्शन, हमारे जीवन का क्या दर्शन है. Because the issues it addresses are basic and pervasive, determining the course we take in life and how we treat other people. मतलब हर काम जो हम करते हैं अपने जीवन में वो हमारी philosophy से govern होता है, कि हम लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, हम कौन सा जीवन, हमारा रास्ता क्या है, भविष्य हमारा, हम गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, है ना. Hence we can say that all aspects of human life are influenced and governed by the philosophical consideration. इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन का हर पहलू जो है वो दर्शन के परिप्रेक्ष्य से हमको देखना चाहिए, या देखा जाता है, या उससे गवर्न होता है. As a field of study, philosophy is one of the oldest disciplines. है ना, अगर हम मतलब अध्ययन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो जो दर्शन है वो सबसे पुराना विषय है. It is considered as the mother of all science. आप जानते होंगे कि कहा जाता है कि हर विषय की उत्पत्ति philosophy से हुई है. In fact, it is at the root of all knowledge. या आप कह सकते हैं कि ये ज्ञान की जड़ है philosophy. Education has also drawn its material from different philosophical bases. और शिक्षा ने भी बहुत सारे दार्शनिक आधारों से अपने मेटीरियल को ड्रॉ किया है. शिक्षा मतलब शिक्षा शास्त्र. यहाँ पे अब फिलोसफी और एजुकेशन का आप एटाइमोलॉजिकल मीनिंग देख लीजिए, शाब्दिक अर्थ देख लीजिए. तो फिलोसफी का क्या है, कहीं यहाँ फिलीलियो लिखा है, कई जगह फिलोस भी लिखा रहता है, फिलियो लिखा है ना, फिलोस लिखा रहता है कई जगह. मतलब दोनों का अर्थ क्या है, लव. ये ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति है. एंड सोफिया मतलब विजडम, यानी कि फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ है लव फॉर विजडम. यानी कि देखिए विजडम क्या होता है, विवेक. विवेक को नॉलेज से ऊपर हमने वो किया, हायरार्की दी है, उसको पायदान दिया है. तो ज्ञान से भी बड़ा है विजडम, विवेक, क्योंकि वो ये देख के चलता है कि क्या सही क्या गलत. ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान है. तो उसके प्रति प्रेम, यानी कि हम हर चीज विवेक पूर्ण तरीके से करना चाहें, ज्ञान से भी बढ़कर करना चाहें, है ना. दिस टेल्स अस समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ फिलोसफी. ये दर्शन का की प्रकृति है. द इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ लेंड्स द ओरिजिन ऑफ फिलोसफी. यानी कि हम सत्य की खोज, आप ये समझ सकते हैं फिलोसफी क्या है, सत्य की खोज, सत्य की जांच, यहीं से दर्शन का उद्भव हुआ है. ए लव ऑफ विजडम इज द एसेंस फॉर एनी फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन. और उसको भी हम एकदम मतलब सत्य की तरफ जाएंगे, और किसी चीज भटकेंगे नहीं, कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, हमें सिर्फ सत्य जानना है. तो जो विवेक के प्रति प्रेम है वो हर दार्शनिक जो आपकी खोज है उसका एसेंस है, उसके पीछे मूल है, उसके पीछे जड़ है, है ना. Philosophy in a general sense is conceived a person's sum of the fundamental beliefs and convictions. और general sense में आप philosophy दर्शन को किस रूप में ले सकते हैं, कि हमारा जो कुछ भी विश्वास है, जो कुछ भी हमारी धारणाएं हैं, जो कुछ भी हम सही मान के चलते हैं, वही हमारा दर्शन है, है ना. कहते हैं ना कि इनकी philosophy समझ में नहीं आती, ऐसे हम लोग कहते हैं किसी किसी के विषय में. फिर meaning of education, etymologically आप लोग जानते होंगे, पर चूंकि philosophy का बता रही थी तो education का भी. etymologically the word education is derived from educator, educare Latin शब्द है, वो ग्रीक शब्द है ना. bring मतलब बाहर लाओ, which is related to educeer, bring out मतलब educare से, educeer से, ducer से, सबसे मिलकर आप कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई है. और सबका अर्थ क्या है, bring up, bring out, bring forth, what is within, यानी कि जो हमारे अंदर है उसको बाहर लाना है, to lead, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें. Education in the largest sense is any act or experience that has a formative effect on the mind, character or physical ability of an individual. यानी कि बड़े दृष्टिकोण से हम देखें तो शिक्षा क्या है, एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा कार्य है जो हमारे मन, चरित्र और हमारी जो शारीरिक योग्यता है उसको बढ़िया कर देती है. In its technical sense, और अगर हम मतलब तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच सोसाइटी डेलिबरेटली ट्रांसमिट्स इट्स एक्यूमुलेटेड होना चाहिए था एक्यूमुलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना. बहुत सारी परिभाषाएं और बहुत दृष्टिकोण से आप शिक्षा को परिभाषित कर सकते हैं, पर तकनीकी दृष्टिकोण से यह है कि समाज ने अभी तक जितना ज्ञान, कौशल और मूल्य इकट्ठा किए हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाना. ठीक है, बहुत आप इसको मतलब इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, बट इतना ही जानिए फिलहाल, क्योंकि बहुत सारा कुछ हम नहीं कवर कर सकते हैं ना. अब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पे आते हैं. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, जो बेसिक हमको जानना है. तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड और प्रैक्टिकल फिलोसफी, यानी कि प्रायोगिक दर्शन की एक शाखा है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा का दर्शन.
concerned with the nature and aims of education and the philosophic problems arising from educational theory and practice. और इसका लेना देना किससे है? शिक्षा की जो प्रकृति है और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उससे philosophy of education का मतलब है. और जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं शैक्षिक थ्योरी और प्रैक्टिस में, जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम अराइज होती है, उनसे डील करता है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन. फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू एजुकेशन ऑन वेरियस इश्यूज एज वेल एज प्रोवाइडिंग ए थ्योरी ऑफ नॉलेज फॉर एजुकेशन टू वर्क अपॉन. यानी कि जो शैक्षिक दर्शन है वो शिक्षा को एक दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मतलब हमको क्या करना है, किस तरफ जाना है ना, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें हमको फिलॉसफी बताता है. और किस 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 पर काम करना है, किन मुद्दों पे हमको काम करना है, ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बताता है. इट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लिकेटिंग की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रैक्टिस, है ना. ये हमको बताता है कि सिस्टमैटिकली हम किस तरह से चलें. और ये क्रिटिकल है, मतलब तार्किक है. ये नहीं सिर्फ ऑब्जर्वेशनली, मैंने कहा फिलॉसफी के लिए आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है. तो हम क्या कह सकते हैं कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या क्या है? इट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन. यानी कि शिक्षा की जो साधारण सिद्धांत है, जो जनरल थ्योरी है, उसकी आलोचना करता है. इट कंसिस्ट्स ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन एंड सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन अपॉन जनरल थ्योरीज. तो मतलब कह रहे हैं ना कि हमको क्या करना है कि क्रिटिकल होना, यानी हर चीज की हमको हर पहलू से जांच करनी है, तभी तो हम सत्य तक पहुंच पाएंगे. तो इसलिए जो जनरल थ्योरीज हैं उनको ये एक सिस्टमैटिक दृष्टिकोण से देखता है, उनकी समालोचनात्मक मूल्यांकन उनका करता है, तो हमको चीज सही निकल कर आएगी. इट इज अ सिंथेसिस ऑफ एजुकेशनल फैक्ट्स विद एजुकेशनल वैल्यूज. ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सम्मिश्रण है किसका किसका, जो हमारे तथ्य हैं शैक्षिक और शैक्षिक मूल्यों का. इट इज अ फिलोसॉफिकल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थ्रू फिलोसॉफिकल मेथड फ्रॉम ए फिलोसॉफिकल एटीट्यूड टू अराइव एट ए फिलोसॉफिकल कंक्लूजंस. यानी कि जो शैक्षिक समस्याएं हैं हम उनका दार्शनिक प्रक्रिया से आकलन करेंगे, दार्शनिक मेथड अप्लाई करेंगे, उसमें एक दार्शनिक एटीट्यूड लेके चलेंगे, मतलब क्रिटिकल रहेंगे, सिस्टमैटिक रहेंगे, ताकि हम दार्शनिक निष्कर्षों पर पहुंच सकें. ये फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट है. ठीक है, स्कोप क्या है, मतलब विषय क्षेत्र क्या है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का? तो द स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन. यानी कि शिक्षा की जो समस्याएं हैं उन्हीं से फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का लेना देना है. दीज प्रॉब्लम्स मेनली इंक्लूड, ये समस्याएं किससे किससे संबंधित हो सकती हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य की प्रकृति, द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स एंड देयर रिलेशन विद मैन. जो संसार है, जो ब्रह्मांड है और जिसमें मनुष्य रहता है, उसमें हमारा क्या पारस्परिक अंतर संबंध है. इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो शिक्षा के आदर्श हैं, उनका क्या हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं. द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जो शैक्षिक निकाय है उसके जितने घटक हैं उनके आपस में क्या अंतर संबंध है. रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस एरियाज ऑफ नेशनल लाइफ, यानी कि शिक्षा और जो हमारा राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक उन्नति हो गई, कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. और एजुकेशनल वैल्यूज को कैसे आप समझ सकते हैं, क्या हो सकती हैं, क्या होनी चाहिए, क्यों डिग्रेड हो रही हैं. और थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड इट्स रिलेशनशिप टू एजुकेशन, जो ज्ञान का सिद्धांत है और उसका शिक्षा से क्या लेना देना है. तो कितनी है, लिखने के लिए एक लाइन है, कितना कुछ है और कितना क्लिष्ट है, मतलब आप समझ भी नहीं सकते. इसका मतलब क्या है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का क्षेत्र, विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है. ठीक है, फिर इसकी प्रकृति क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की प्रकृति. से पहले फिलॉसफी की प्रकृति जान लीजिए. वैसे आप जानते होंगे कि थ्री ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, मेनली जो दर्शन है उसकी तीन शाखाएं होती हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी. मेटाफिजिक्स को अधिभौतिकी भी कहते हैं, वैसे तत्व मीमांसा कहते हैं. एपिस्टेमोलॉजी आपका ज्ञान मीमांसा हो गया, और एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा. यानी कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा से कोई भी फिलॉसफी बनी है. या आप कह सकते हैं कि किसी फिलॉसफी को समझने के लिए आपको उसका मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी जानना होगा. तो मेटाफिजिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इन्वेस्टिगेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी. यानी कि जो ये शाखा है मेटाफिजिक्स फिलॉसफी की, वो ये जानने की कोशिश करती है कि रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, मतलब यथार्थ क्या है. इट स्टडीज द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस, है ना. जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी रियलिटी है, उसका अल्टीमेट नेचर क्या है, ये अध्ययन करता है. इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड. यानी कि हम जीवित हैं, ये संसार है, इसका एकदम मूलभूत जो इसकी संकल्पनाएं हैं उसके एक्सप्लेनेशन से इसका लेना देना है. द रीजन अबाउट सच थिंग्स, वेदर और नॉट पीपल हैव फ्री विल, इन व्हाट सेंस एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेड टू एग्जिस्ट, एंड हाउ इट इज दैट
ब्रेन्स आर एबल टू जनरेट माइंड्स। ये क्या क्या कोशिश करता है जानने की, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मनुष्य के पास मुक्त इच्छा होती है कि नहीं, क्या जो अमूर्त जो वस्तुएं हैं उन वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, या सिर्फ हमारे मन मस्तिष्क की उपज है। ये ब्रेन किस तरह से माइंड को जनरेट करता है, मतलब इस तरीके के जो अल्टीमेट रियालिटी के क्वेश्चन है उनसे मेटाफिजिक्स डील करता है। फिर एक्सियोलॉजी किससे डील करता है, मूल्य मीमांसा, द ब्रांच ऑफ बेसिक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी दैट एक्सप्लोर्स एस्थेटिक्स। इसकी भी दो शाखाएं हैं, देखिए मेटाफिजिक्स के भी बहुत हैं, पर उतना डिटेल में जाने के लिए मेटाफिजिक्स पे ही कई स्लाइड्स बन सकती हैं, पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश है। एस्थेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ बेसिक फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस अबाउट आर्ट एंड ब्यूटी, यानी कि इस पर्टिकुलर फिलोसफी के लिए कला क्या है, सुंदरता क्या कहते हैं, ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस। उसी तरह से इथिक्स हमको बताता है क्या सही है क्या गलत, द स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स एक्शंस राइट और रॉन्ग, कौन सा कार्य सही है कौन सा गलत, एंड ऑफ हाउ थियरीज ऑफ राइट एक्शन कैन बी अप्लाइड टू स्पेशल मॉरल प्रॉब्लम्स। इसके जो सब डिसिप्लिन्स होते हैं वो मेटा इथिक्स, वैल्यू थियरी, थियरी ऑफ कंडक्ट, अप्लाइड इथिक्स, बहुत क्लिष्ट है। ठीक, फिर एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इट इज मतलब बहुत मजा आएगी पढ़ने में, अगर आपको मजा आने लगा, आपको रुचि आने लगेगी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप चाहें कि हम लेटे लेटे सरसरी तौर पर उपन्यास की तरह से पढ़ के निकल जाएं तो वो असंभव है फिलोसफी में। ओके, और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये ज्ञान मीमांसा है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज नॉलेज, ये ज्ञान का अध्ययन करता है। इट अटेम्प्ट्स टू आंसर द बेसिक क्वेश्चन व्हाट डिस्टिंग्विशेस ट्रू नॉलेज फ्रॉम फॉल्स नॉलेज, इसका ये प्रयास करता है एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कि सत्य जो मतलब अब सच्चा ज्ञान और झूठा ज्ञान, मतलब कितना ये किसको आप झूठा ज्ञान कहेंगे, अगर ज्ञान है तो झूठा कैसे है, है ना, एडिक्वेट इन एडिक्वेट, तो इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस का ये स्टडी करता है। इट कंसर्न विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज एंड इज आल्सो रिफर्ड टू एज द थियरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिर नेचर, तो ये तो फिलोसफी का नेचर हुआ, या आप कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी हुई मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी में फिर से दो, एस्थेटिक्स और एथिक्स। लेकिन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के नेचर की अगर बात करें तो इट हैज इमर्ज फ्रॉम द कंबाइंड थिंकिंग ऑफ फिलोसफी एंड पेडागॉजी, यानी दोनों मिलकर बनाए ना, पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र सॉरी और दर्शन शास्त्र की कंबाइंड थिंकिंग से इसका इमर्जेंस हुआ है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी डायमेंशन दैट डील्स विद द सर्च फॉर फिलोसॉफिकल सॉल्यूशंस टू एजुकेशन प्रॉब्लम्स। इतनी तो बात अभी तक समझ में आ गई होगी कि जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनके हम दार्शनिक हल ढूंढना चाहते हैं, वही फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की प्रकृति है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज बोथ साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल इन नेचर बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज कंसिडर्ड बोथ एन आर्ट एंड साइंस, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षा जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है, इसलिए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन भी वैज्ञानिक भी है और दार्शनिक भी है अपनी प्रकृति में। ठीक है, फिर इसके फंक्शंस क्या क्या है, किस क्या काम करता है शिक्षा, शैक्षिक दर्शन का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिस भी फिलोसफी से आपका एजुकेशनल सिस्टम गवर्न होगा वो ये तय करेगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम डिटरमिनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या शिक्षा का उद्देश्य होगा ये दर्शन तय करेगा। अगर दर्शन में ये है कि डेमोक्रेसी है तो हम कहते हैं कि लिबरलिज्म होगा, हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं करते, फिर हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, फिर हार्मोनाइजिंग ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशंस इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, ये समन्वय स्थापित करता है शिक्षा के क्षेत्र में, जो पुराना जो मतलब पारंपरिक है शिक्षण, पारंपरिक मूल्य हैं और जो नया है उनके बीच में हार्मोनाइजिंग। आप देख सकते हैं कि आप इसको एनईपी 2020 के विजन से मिला के देखिए तो एनईपी 2020 ने भी हमको ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशंस को के हार्मोनाइजेशन का काम किया है ना, क्योंकि उसकी उसकी उस फिलॉसफी के हिसाब से। प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एजुकेटर्स विद द प्रोग्रेसिव विजन टू अचीव एजुकेशनल डेवलपमेंट, है ना, ये जो शैक्षिक जो योजना बनाते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शिक्षकविद हैं, उनको एक प्रोग्रेसिव विजन प्रदान करता है, मतलब एक हमको उन्नति मतलब प्रोग्रेसिव मतलब हम आगे की तरफ देखें, बाहर फ्यूचरिस्टिक विजन हो हमारा, प्रोग्रेसिव विजन हो, ताकि हम शैक्षिक विकास को प्राप्त कर पाए, ये हमको फिलोसफी बताती है। और प्रिपेयरिंग द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम, और जो हमारी आज की जो युवा शक्ति है, जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको हम ये तैयार करते हैं कि आगे आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उनको वो कैसे उनका सामना करेगी। आई थिंक हो गया, तो इस तरह से, और ये कहने के लिए चार लाइन है, आपको फिर बता रही हूँ, इसके बहुत एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, बहुत इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक एक लाइन पर आप 10-10 पन्ने लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ये सिर्फ चूंकि आपको एक कम समय में ज़्यादा चीज़ें बतानी होती हैं, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है क्या, उसकी प्रकृति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसके कार्य क्या है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे की फिलोसफीज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बेसिक टॉपिक मैंने आज कवर किया,
So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side. Okay.